दोस्तों आपने सड़क या हाईवे के किनारे ऐसे रिफ्लेक्टर लगे तो जरूर देखे होंगे जिनको कैट आई के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर इन रिफ्लेक्टर को उन रोडों पर लगाया जाता है जिन रोडों पर रोशनी नहीं होती। मगर दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन रिफ्लेक्टर को करंट मिलता कहां से जिसकी वजह से ये जलते हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसी लगी। आमतौर पर रिफ्लेक्टर सड़क की सतह से थोड़े से ऊपर उठे होते हैं ताकि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है अगर उसको बाय चांस नींद आ जाती है और उसकी गाड़ी दूसरी लेन में जाने लगती है तो इससे रिफ्लेक्टर के झटके से उसकी नींद खुल सकती है जिससे बहुत बड़ी घटना को टाला जा सकता है। और साथ ही रिफ्लेक्टर रात के समय में रास्ता दिखाने के लिए मदद करते हैं। मगर दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इन रिफ्लेक्टर में आखिर करंट आता कहां से है? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिफ्लेक्टर दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एक्टिव रिफ्लेक्टर, दूसरा होता है पैसिव रिफ्लेक्टर। तो दोस्तों सबसे पहले हम पैसिव रिफ्लेक्टर के बारे में बताते हैं। पैसिव रिफ्लेक्टर में किसी भी तरीके की बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब कभी भी रोड पे से गाड़ियां गुजरती हैं तो गाड़ियों की रोशनी से ही ये रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट करते हैं। मगर एक्टिव रिफ्लेक्टर में बैटरी होती है और ज्यादातर हाईवे पर ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन रिफ्लेक्टर में सोलर चार्जर भी होता है जो दिन के समय सूरज की रोशनी से चार्ज होता है और रात के समय अपने आप ही जल जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।